मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग 11th क्लास का एक नया टॉपिक लेकर जा रहे हैं और वो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। ये आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए आवश्यक बातों में एक तो हमें उस तत्व का परमाणु क्रमांक ध्यान होना चाहिए, कितने नंबर पर वो आता है, मतलब उसमें किसकी संख्या ध्यान होनी चाहिए, प्रोटॉन की, क्योंकि उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी संख्या किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। फिर हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जिन कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, कक्षकों में ऊर्जा का बढ़ता क्रम आपको ध्यान होना चाहिए। कुछ लिमिट्स होती हैं कक्षक में, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीन बातें यदि आपको ध्यान है, तत्व का परमाणु क्रमांक, कक्षकों में ऊर्जा का बढ़ता क्रम और कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक में तो आपको आवर्तसारणी याद करनी पड़ती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है वो ये है कि हमें कक्षकों में ऊर्जा का क्रम याद रखना है, क्योंकि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण ऊर्जा के बढ़ते क्रम में किया जाता है। जिस कक्षक की ऊर्जा जितनी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आता है, जिस कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आता है। अब हमें कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम याद रखना है, परमाणु क्रमांक हमें आवर्तसारणी से याद हो जाएगा, कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखनी है। तो देखिए, आपसे कोई ये कहे कि तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डेफिनेशन क्या होगी, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कक्षकों में वितरण, कक्षक सबसे नीचे है, सबसे बड़े कोष, उसके अंदर उपकोष, उनके अंदर क्या होंगे कक्षक, तो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कक्षकों में वितरण क्या कहलाएगा, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो है कक्षकों में ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो देखिए, आप इसका एक सरल सा तरीका बता सकते हैं जिससे आपको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, पहले कोष में ये वन का मतलब क्या हुआ, पहला कोष, पहले कोष में एक उपकोष होता है एस, तो वन एस। दूसरे कोष में एस उपकोष भी होता है और पी उपकोष भी होता है, तो 2s और 2p। जो तीसरा कोष होता है उसमें एस उपकोष भी होता है, पी उपकोष भी होता है और डी उपकोष भी होता है। जो चौथा कोष है उसमें एस उपकोष भी होता है, 4s, 4p, 4d, 4f। जो पांचवा कोष होता है 5s, 5p, 5b, 5f। 6 की बात करें तो 6s, 6p, 6d, 6f। 7 की बात कर लें, 7वें कोष की, 7s, 7p, 7d, 7f। हमने विभिन्न कोषों के कक्षकों को लिख लिया है, पहले कोष में
कक्षकों का तो ध्यान हो गया, इनकी ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम देखिए, जिसकी ऊर्जा सबसे कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आता है। तो देखिए आप इसका तरीका देखिए, सबसे कम ऊर्जा किसकी, 1s की, 1s से अधिक एनर्जी किसकी हो गई, 2s की, 2s से अधिक एनर्जी हो जाएगी 2p, इस तरह ही आप 2p से ज्यादा एनर्जी किसकी, 3s, 3s से ज्यादा एनर्जी किसकी, 3p, और 3p से ज्यादा एनर्जी किसकी, 4s की, 4s से ज्यादा एनर्जी किसकी, 3d, 3d से अधिक 4b, 4b से अधिक 5s, 5s से अधिक 4d, 4d से अधिक 5p, 5p से अधिक 6s, और 6s से अधिक एनर्जी जो है वो होती किसकी, 4f की, 4f से अधिक ऊर्जा 5d, 5d से अधिक ऊर्जा 6p, और 6p से अधिक ऊर्जा 7s, इससे अधिक आपको अभी यूज नहीं करना। तो ये हमारा था टॉपिक कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो आपसे कोई पूछे 3p की एनर्जी अधिक है 4s की, तो बाद में कौन आ रहा है, 3p के बाद 4s आ रहा है, तो एनर्जी 4s की अधिक है, 3p की कम है, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसके इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। तो बताइए आप, इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरा जाएगा 2s में, 1s में 2s में भरा जाएगा या 2p में, तो पहले 2s आ रहा है फिर 2p आ रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा फिर किसमें आएगा, 2p में। ओके, इसमें तत्व का परमाणु क्रमांक तो आपको जब आसानी याद करवाएंगे तब बता देंगे, फिलहाल तो उसका लेकर से पढ़ेंगे एग्जाम। कक्षकों में ऊर्जा का बढ़ता क्रम मैंने आपको बता दिया है, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वो आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए उद्गोष का प्रकार अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, उद्गोष का प्रकार और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यदि एक्स उद्गोष है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, दो। पी उपकोष में 6, डी उपकोष में 10 और एफ उपकोष में 14। देखिए किस कक्षक की ऊर्जा क्यों ज्यादा है उसको अपन बाय रूल भी पढ़ेंगे, नियमों के अनुसार भी पढ़ेंगे। इसमें नियम लगता है एन प्लस एन का नियम, हम नियमों से बाद में पढ़ेंगे। उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी मैं आपको बता रहा हूं, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी उपकोष में 6, इसका भी रीजन है। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, और एक कक्षक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, तो पी में कितने आ गए, 6। डी में कितने कक्षक, 5, डी उपकोष में 5 कक्षक, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ये इनकी मैक्सिमम लिमिट होगी, ये भी हम पढ़ेंगे कि एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, वो अपन बाय रूल पढ़ेंगे। फिलहाल यहां पर अपने एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। विन्यास ले रहे हैं सबसे पहले सबसे सरल तत्व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, एक इलेक्ट्रॉन है। तो शुरू कीजिए आप वहां से, 1s में आएगा पहले इलेक्ट्रॉन, 1s, s किसी का भी हो, 1 का हो चाहे दूसरे कोष का चाहे तीसरे कोष का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं,
है ही नहीं दो इलेक्ट्रॉन, तो एक तो एक बंद होगा, कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है, तो 1s1। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोविन्यास हो गया क्या, 1s1। अब 1s1 में देखो आप, ये जो 1 है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कोस को, ऑर्बिट को। एस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उपकोष को, जिसको मैं कह सकता हूं सब ऑर्बिट, ठीक है। और यहां ऊपर तो नंबर लिख रखे हैं, ये किसकी संख्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो आगे नंबर लिखा हुआ है कोष की संख्या को व्यक्त करता है, जो प्रतीक एस है वो उपकोष को बता रहा है, और जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त कर रहा है। ये सबसे सरल एग्जाम्पल था, इसके जस्ट बाद हमारा एग्जाम्पल होगा कार्बन। कार्बन पी ब्लॉक का तत्व है, परमाणु क्रमांक 6। परमाणु क्रमांक 6 का मतलब क्या हुआ, परमाणु क्रमांक 6 का मतलब हुआ इसमें 6 प्रोटॉन है, और इसी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। परमाणु क्रमांक इसका कितना हो गया, 6। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सब 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है इसके अंदर। तो देखिए शुरू से यहां से लीजिए, 1s 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 के कितने आएंगे, s के कितने आ सकते हैं, 2, तो 1s2। उसके बाद 1s के बाद किसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन, 2s में, तो ये 2s। s किसी का भी हो जाए, फर्स्ट ऑर्बिट का हो जाए सेकंड ऑर्बिट का हो, s में मैक्सिमम कितने हैं, 2, तो 2s 2। दो दो चार इलेक्ट्रॉन का हिसाब हुआ अभी तक, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 2p में, तो ये हो गया आपके पास 2p। p ऑर्बिटल में p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, लेकिन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हमारे पास बस कितने गए, दो दो चार बस गए कितने, 2, तो बचे इसमें आ गए 2। तो देखिए 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिए। ये अब आप ये कहेंगे कि p में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, पर ये इनकी मैक्सिमम लिमिट है, अधिकतम संख्या है, कम कितने भी हो सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे थोड़ा सा अधिक परमाणु क्रमांक का अपन एग्जांपल ले तो नेट्रियम, इसको मैं सोडियम कहूंगा, एटॉमिक नंबर 11, परमाणु क्रमांक 11 का मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। आपको 11 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं, ये कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप होंगे, 1s में, तो 1s, s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो 1s2। फिर 1s के बाद किसमें, 2s में, 2s में कितने आ जाएंगे, s में 2 ही है, 2। 2s के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2p में, तो ये लीजिए आप 2p। तो 2p में p में कितने आ सकते हैं, 6। फिलहाल हमें 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 6 इसमें कर दो, 7 नहीं कर सकते, मैक्सिमम नंबर है इसमें 6, तो 8 और 10 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, कितने हैं, 11। तो 1s2 2s2 2p 6, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद किस में भरने, 3s में, तो 3s। s में तो मैक्सिमम कितने आते हैं, 2, पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 6 2 8 तो 10 हो गए, बस गया कितना, 1, तो 3s1। ये हो गया आपके पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। थोड़ा सा और अधिक परमाणु क्रमांक का लेते हैं, निकिल लेते हैं साहब, निकिल परमाणु क्रमांक 28। परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, 28 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं साहब। आप शुरू कीजिए आप यहां से, 1s से देखिए, 1s 1s में कितने, s में कितने, 2 2
6 हमें इलेक्ट्रॉन भरने कितने 28 तो 6 2 8 10 इसमें निकल 2p के बाद इसमें आते हैं 3s में तो ये 3s s कितने 2 तो 3s2 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3s के बाद इसमें आते हैं 3p तो 3p p में कितने आते हैं 6 तो 3p 6 इलेक्ट्रॉन देखिए पहले कितने हो गए 2 2 4 10 2 12 6 18 3p के बाद किसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन 4s में 3p के बाद किसमें आ रहे हैं 4s में 4s में s में कितने 2 तो लीजिए 2 तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 हो गए साहब 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 4s के बाद किसमें जा रहे हैं 3d में तो 4s के बाद 3d डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये आ सकते हैं 10 डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो हमारे पास 10 बचे नहीं हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हो गए देखो 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन कितने बने हैं 8 8 इलेक्ट्रॉन बने हैं तो यहां कितने हो जाएंगे 3d8 10 क्यों नहीं किया क्योंकि 10 बचे नहीं हमारे हमें भरने कितने हैं 28 तो 20 तो यहां तक हो गए बच गए आप कम भर सकते हैं 10 से ज्यादा नहीं सकते तो ये आपका विन्यास इसका हो गया निकिल ओके नेक्स्ट क्लास में इसके और